नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। पनागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 16000 टीके लगाए जाने का संकल्प है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में 2 सप्ताह में खोले जा रहे 4 और वैक्सीन केंद्र। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पनागर विधायक सुशील तिवारी, इंदु भैया, तहसीलदार नीता कोरी, खंड चिकित्सा अधिकारी संतोष ठाकुर ने पनागर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीन सेंटर के समीप स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से वैक्सीन लगवाने आए लोगों का पंजीयन कर प्रथम टीका लगाया गया और आमजनों को वैक्सीन के लिए प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी संतोष ठाकुर ने बताया कि पनागर क्षेत्र की आबादी को देखते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 16000 लोगों को इंगित किया है, जिसमें अब तक 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अभी आने वाले 2 सप्ताह के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 4 और वैक्सीन सेंटर खोले जा रहे हैं, जिससे पनागर क्षेत्र में वैक्सीन लगाने का कार्य शीघ्रता से पूरा कर पनागर में जो कोरोना की सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, सर अभी किन किन लोगों को वैक्सीन लगी और कितना आंकड़ा हुआ है इसका लगभग, सर थोड़ा सा डिटेल में जानकारी। पनागर में कोविड वैक्सीनेशन जो चालू हुआ था, ये 16 जनवरी को चालू हुआ था। इसमें जो सभी हेल्थ वर्कर्स हैं, आपका राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, महिला एवं विभाग है एवं ग्राम पंचायत विभाग है, तो इनके सभी कर्मचारी अधिकारियों का 95% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। इनको प्रथम डोज और द्वितीय डोज दोनों लग चुकी है। और इसके बाद जो अभी जो नया वैक्सीन चालू हुआ है, इसमें 45 से 60 वाले जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, दूसरा जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं, वृद्धजन हैं, तो इन लोग का टीकाकरण भी यहाँ चालू किया गया है। इसमें करीब 2000 लोगों को ये प्रथम डोज अपन लगा चुके हैं। अभी कोरोना के लिए आबादी को देखते हुए क्या आपके द्वारा अभी कुछ और सेंटर खोले जाएंगे? हाँ, अभी पनागर में जो 45 से 60 और 60 के ऊपर वाली जो मतलब ये जनसंख्या है, ये करीब 16000 करीब लोग होते हैं इसे, तो इसके लिए अब अपन इसके पनागर के अलावा 4 ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य सिंहद हो गया, सोनपुर हो गया, बेलखाड़ू हो गया, तो यहाँ पे अपन वैक्सीन चालू कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद में जो करीब 14 सब सेंटर हैं, उनमें भी ये वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर ये तो आगामी कितने दिनों में ये अन्य सेंटर खोले जाने की आपकी? आगामी 2 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया चालू करने की मतलब चालू की जानी है। अभी कोरोना की जांच हेतु नए संक्रमित पाए जाने हेतु क्या यहाँ पे अभी लगातार इसकी जांच की जा रही है? हाँ, अभी पिछले करीब 15 दिन से कोरोना के मरीजों में एकदम जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। तो इसमें जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी संख्या में आदमी संक्रमित हुए हैं। उसी तरह अपने जबलपुर में भी करीब 200-250% का उछाल आया है। अभी पिछले दिन ही करीब 78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो अभी लोग क्या है, उन्मुक्त होकर घूम रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, इसके कारण भी ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। तो मेरा सभी पनागर क्षेत्रवासी लोगों से आग्रह है कि कहीं भीड़ भाड़ जाने वाली जगहों से भी इस महीने बचें और कहीं भी बाहर निकलते तो मास्क लगा के जाएँ एवं घर वापस आते समय हाथ सैनिटाइज करें। और इसके लिए अभी कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के भी आदेश मिले हैं। तो जो अभी जो अपन संख्या करीब 50 से 60 लोगों की अपन सैंपलिंग कर रहे थे, अभी वही अपन 150 लोगों की सैंपलिंग प्रतिदिन कर रहे हैं। सर क्या अभी पनागर नगर में भी क्या प्रतिदिन कोई कोरोना के मरीज आ रहे हैं? अभी पिछले काफ़ी समय से तो पनागर नगर में तो कोई ये केस नहीं आया है, लेकिन पनागर उपनगरीय क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बेलखाड़ू से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। सर नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष सिंह ठाकुर, BMO पनागर।